गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन हैंकल एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम हैंकल और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में जो रिलेशन है उसे प्रूव करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं हैंकल के डेफिनेशन एच न्यू, यहाँ पर ये न्यू है, तो एच न्यू ई की पावर माइनस ए एक्स एफ एक्स पी। अगर हम ये फंक्शन क्या है, e की पावर माइनस ए एक्स एंड एफ एक्स एंड पी, पैरामीटर पी है तो कर्नेल क्या हो जाएगा भाई हैंकल के अंदर, एक्स जे न्यू पी एक्स, क्योंकि पैरामीटर आता है और वेरिएबल, तो जीरो टू इनफाइनाइट एक्स जे न्यू पी ऑफ एक्स e की पावर माइनस का ए एक्स एफ एक्स और डी एक्स। यहाँ से देखिए e की पावर माइनस ए एक्स कर्नेल होता है भाई, पी एक्स होता है वहाँ पर कर्नेल, किसमें, लाप्लास में, जब पैरामीटर p होता है। यहाँ पर पैरामीटर क्या है, a है, तो क्या हम इसको लाप्लास x जे न्यू पी एक्स और एफ एक्स एक्स जे न्यू पी एक्स एंड एफ एक्स और a, क्योंकि a पैरामीटर है तो हमारे पास कर्नेल क्या हो गया, e की पावर माइनस ए एक्स, तो हम इसको लाप्लास लिख सकते हैं। तो ये हैंकल और लाप्लास के अंदर रिलेशन होता है। अब देखिए हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट इफ न्यू ग्रेटर देन माइनस वन बाय टू, न्यू की वैल्यू क्या है, माइनस वन बाय टू से बड़ी है, तब हमें प्रूफ करना है एच न्यू एक्स की पावर न्यू माइनस वन ई की पावर माइनस ई एक्स पी, या फिर एक्स की पावर न्यू जे न्यू पी एक्स ए का लाप्लास, लाप्लास ले लो या फिर हैंकल ले लो, दोनों में से कोई सा ले लो, इज इक्वल टू टू की पावर न्यू पी की पावर न्यू गामा न्यू प्लस वन अपॉन रूट पाई ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की पावर न्यू प्लस वन बाय टू। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे प्रूफ करने आपके पास ये गिवन होगा, हमें ये प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए ये होगा, क्लियर है ये पूरा, तो हमें या तो ये लेके चलना है या फिर ये लेके चलना जो गिवन है। तो एच न्यू एक्स की पावर न्यू माइनस वन ई की पावर माइनस ए एक्स पी, तो पैरामीटर पी है और हैंकल है तो कर्नेल क्या हो जाएगा, एक्स जे न्यू पी एक्स, और जीरो टू इनफाइनाइट एक्स की पावर न्यू माइनस वन और ई की पावर माइनस ए एक्स फंक्शन है और डी एक्स। यहाँ से देखिए एक्स की पावर वन से एक्स इनवर्स कैंसिल, तो एक्स की पावर न्यू ई की पावर माइनस ए एक्स जे न्यू पी एक्स डी एक्स। तो देखिए जे न्यू पी एक्स क्या है, बेसल फंक्शन है, तो जे बेसल फंक्शन की वैल्यू रख देंगे समीशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा न्यू प्लस आर प्लस वन, भाई एन प्लस आर प्लस वन आता है तो एन की वैल्यू क्या है, न्यू प्लस आर प्लस वन पी एक्स बाई टू की पावर न्यू प्लस टू आर, और बाहर आ गया डी एक्स। समीशन में सारी वैल्यू को बाहर ले लो, केवल एक्स के वेरिएबल्स को अंदर रखो, तो जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर टू न्यू प्लस टू आर, क्योंकि एक न्यू यहाँ पर है और एक्स के पावर न्यू प्लस टू आर एक्स के पावर टू न्यू प्लस टू आर डी एक्स। हमने एक्सपोनेंशियल पढ़ा है जीरो टू इनफाइनाइट ए की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर एन, तो गामा एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस वन, लिख सकते हैं एन की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू ए है, तो टू न्यू प्लस टू आर प्लस वन का गामा अपॉन ए की पावर टू न्यू प्लस टू आर प्लस वन, बाकी हमारे पास वैल्यू एज इट इज है। अब देखिए यहाँ पर क्या, हम देखिए p बाई टू की पावर न्यू को तो अलग रख लिया, यहाँ से एक की पावर टू न्यू प्लस वन को बाहर निकाल लिया क्योंकि एक की पावर टू आर है, यहाँ पर p बाई टू की पावर टू आर है, क्लियर है, तो ये हो गया p अपॉन एक की पावर टू आर, लिख सकते हैं तो p अपॉन एक की पावर टू p अपॉन में टू ए, क्योंकि a तो यहाँ पर है और टू यहाँ पर है, तो पी अपॉन में टू ए की पावर टू आर माइनस वन के पावर आर गामा न्यू प्लस आर प्लस वन और फैक्टोरियल आर। ये तो हमारे पास ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया यहाँ। अब आता है हमारे पास गामा टू ए टू एम का फॉर्मूला, भाई पढ़ा हमने टू की पावर टू एम माइनस वन, मतलब इस पूरे में से एक कम होगा तो टू की पावर टू न्यू प्लस टू आर गामा एम इंटू गामा एम प्लस वन बाई टू अपॉन रूट पाई, डुप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसके अंदर, तो रूट पाई गामा एम और गामा एम प्लस वन बाई टू, इससे ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, बाकी जो हमारे पास देखिए पी की पावर न्यू टू की पावर
देखिए 1/2 μ और यहाँ से आ रहा है हमारे पास 2^2μ + 2r। तो देखिए 2^μ से 1^2μ कैंसिल आउट हो गया, तो 2^μ ऊपर बच गया और 1^2r भी बच रहा है, तो 2^2r यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 1^2μ + 2r रूट पाई एज इट इज, समेशन r इज इक्वल टू 0 to ∞, माइनस देखिए -1^r और p अपॉन में 1^, या फिर इसको लिख सकते हैं p² / a² r, तो -p² / a² r, और इसे हम लिख सकते हैं देखिए γ(μ+1/2+r), तो ये अल्फा बोल दे इसको, तो गामा अल्फा प्लस आर क्या होगा, अल्फा आर गामा ऑफ अल्फा, तो अल्फा आर तो ये हो गया गामा ऑफ अल्फा, क्लियर है, बाकी वैल्यू अपॉन फैक्टोरियल एज इट इज। तो देखिए इसका हम पढ़ के आए हैं कि अल्फा आर माइनस पी अपॉन p² / a² r, तो 1+p² / a² का न्यू प्लस -1/2 पढ़ा हमने, तो इसको लिख सकते हैं बाय समेशन की फॉर्म में। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो p² / a² में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो स्क्वायर से ये प्लस में हो जाएगा, तो 2μ + 1 आएगा, तो 2μ + 1 से 2μ + 1 इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये हमारा जो एग्जांपल है वो कंप्लीट होता है, बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ x^μ e^-ax टेकिंग x^(gnu px) एज द कर्नेल। तो हमें इसका हैंकल ट्रांसफॉर्म निकालना है और x^(gnu px) कर्नेल लेके चलना है। तो h^(μ) फंक्शन है हमारे पास x^μ e^-ax और पैरामीटर p ले लें यहाँ पर, तो देखिए 0 to ∞ जो कर्नेल है वो एज इट इज आ गया, क्यों, कर्नेल यहाँ पर बोला है इसने, तो पैरामीटर है कर्नेल के अंदर, इसलिए यहाँ पर पैरामीटर लिया x^(gnu px) x^μ e^-ax dx। यहाँ से देखिए 0 to ∞ x^μ+1 हो जाएगा, बाकी फंक्शन एज इट इज, e^-ax x^μ+1 को एज इट इज रख लिया और gnu px के वैल्यू रख दी बेसल फंक्शन की, तो समीशन r इज इक्वल टू 0 to ∞ -1^r अपॉन फैक्टोरियल r गामा n+r+1 और px/2n+2r और dx, तो n की जगह न्यू है तो न्यू रख दो। यहाँ से जैसा कि पहले किया हमने भाई, इंटीग्रेशन को अलग रख लो और समीशन वाली वैल्यूज को अलग रख लो, तो समीशन r इज इक्वल टू 0 to ∞ -1^r अपॉन फैक्टोरियल r गामा μ+r+1 p/2μ+2r 0 to ∞। यहाँ पर देखिए e^-ax x^μ+1 और μ+2r, तो 2μ+2r+1 हो गया, यहाँ से एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा देंगे हम यहाँ पर, तो e^-ax x^n dx या फिर x^n-1 dx, तो गामा n अपॉन e^n, तो -1 करने के लिए +1 करना पड़ेगा और एक -1, तो n के वैल्यू हो गए 2μ+2r+2, तो गामा एन अपॉन e^n ये आ गया हमारे पास, बाकी एज इट इज वैल्यू। अब यहाँ से p/2μ जैसे कि पहले हमने किया है, p/2μ को अलग कर लिया, a^2μ+2 को भी अलग कर लिया, तो देखिए a^2μ+2 क्यों, क्योंकि r वाली वैल्यू उसको समीशन में रखना है, तो समीशन r इज इक्वल टू 0 to ∞ -1^r फैक्टोरियल r गामा μ+r+1। देखिए p/a यहाँ से p/2a^2r, यहाँ से डुप्लीकेशन फॉर्मूला γ(m)γ(m+1) 2^2m-1 अपॉन रूट पाई, क्लियर है, इससे γ(μ+r+1) से γ(μ+r+1) कैंसिल आउट हो गया, वापस अल्फा आर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा देखिए μ+3/2r γ(μ+3/2), बाकी समीशन r इज इक्वल टू 0 to ∞ ये अल्फा आर हो गया, p/a² r-1, तो -p² / a² r / r, सेम बिल्कुल इसे क्या लिख सकते हैं 1+p² / a² - μ-3/2, सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ h^μ(fx)p, h^μ फंक्शन है fx और पैरामीटर p है, तब ये x
कैसे खुलेगा यहां से देखिए, जीरो टू इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स फंक्शन एज इट इज जेन्यू पी एक्स और एक्स पी की पावर वन बाई टू डी एक्स। कहने का मतलब एफ एक्स एज इट इज आ जाएगा, जेन्यू पी एक्स आएगा साथ में और एक्स पी की पावर वन बाय टू साथ में आएगा। ये कर्नेल बोल रहा है कहने का मतलब है, और डी एक्स एज इट इज और पी की वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो। देन शो दैट एच न्यू एक्स की पावर न्यू माइनस वन बाय टू ई की पावर माइनस ई एक्स क्यू इज इक्वल टू टू की पावर न्यू गामा न्यू प्लस वन बाय टू पी की पावर न्यू प्लस वन बाय टू अपॉन रूट पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की पावर न्यू प्लस वन बाय टू, वेयर रियल वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर देन जीरो और रियल वैल्यू ऑफ न्यू ग्रेटर देन माइनस वन बाय टू। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें लेके चलना है लेफ्ट पार्ट, मतलब एच न्यू एक्स के पावर न्यू माइनस वन बाय टू ई की पावर माइनस ई एक्स एंड टू। इसे इसके अकॉर्डिंग खोलना है, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो जीरो टू इनफाइनाइट एक्स के पावर न्यू माइनस वन बाय टू ई की पावर माइनस ई एक्स तो फंक्शन आ गया, और जे न्यू पी एक्स और क्या था हमारे पास एक्स पी की पावर वन बाय टू एक्स पी की पावर वन बाय टू और डी एक्स। बस यहाँ से पी की पावर वन बाय टू को अलग निकाल लिया, एक्स की पावर न्यू e की पावर माइनस का ex e की पावर माइनस ई एक्स, क्यों, क्योंकि x की पावर माइनस वन बाय टू से वन बाय टू तो हट गया ना, तो x की पावर न्यू समेशन r इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट और यहाँ से जे न्यू पी एक्स की वैल्यू रख देंगे माइनस वन की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r गामा न्यू प्लस r प्लस वन पी एक्स बाय टू की पावर न्यू प्लस टू r और डी एक्स। वही इंटीग्रेशन वाली वैल्यू को अंदर रख लेंगे और बाकी को बाहर निकाल लेंगे, तो पी बाय पी की पावर वन बाय टू समेशन r इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट माइनस वन के पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा न्यू प्लस आर प्लस वन पी बाय टू के पावर टू न्यू प्लस टू आर सॉरी टू आर प्लस न्यू। जीरो टू इनफाइनाइट एक्स के पावर न्यू प्लस टू आर और यहाँ से बच रहा है एक्स के पावर न्यू, तो एक्स के पावर टू न्यू प्लस टू आर और ई के पावर माइनस ई एक्स और डी एक्स। वापस अप्लाई कर देंगे गामा एन प्लस वन अपॉन ए के पावर एन प्लस वन, क्यों, क्योंकि एक्स के पावर एन है यहाँ पर, एन माइनस वन होता तो गामा एन अपॉन ए के पावर एन, तो माइनस वन कर माइनस वन और प्लस वन करके इसको यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ से इसमें डुप्लीकेशन फॉर्मूला लगा देंगे गामा ऑफ टू एम, तो टू के पावर टू एम माइनस वन गामा एम प्लस वन बाय टू अपॉन रूट ऑफ पाई, तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, बाकी वैल्यू एज इट इज चल रही है हमारे पास। अब यहाँ से देखिए इस वैल्यू में से देखिए ए के पावर टू न्यू प्लस वन कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एज इट इज। तो यहाँ से हमारे पास देखिए ए की पावर टू न्यू प्लस वन को बाहर ले लिया, ए की पावर टू आर और पी अपॉन टू की पावर टू आर, तो पी अपॉन टू ए की पावर टू आर, बाकी वैल्यू एज इट इज आ गई हमारे पास। और यहाँ से इसके फॉर्मूले से वैल्यू रख गामा न्यू प्लस आर प्लस वन से गामा न्यू प्लस आर प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, बाकी यहाँ से न्यू पी की पावर न्यू प्लस वन बाय टू और देखिए अपॉन में टू की पावर न्यू और यहाँ पर टू की पावर टू न्यू प्लस टू आर, तो टू की पावर न्यू यहाँ पर बच गया और एक देखो टू की पावर टू आर यहाँ पर है और यहाँ से टू की पावर टू आर कैंसिल आउट हो गया, तो पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर आर और यहाँ से माइनस वन, तो माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर आर। इस गामा अल्फा प्लस आर को अल्फा आर गामा अल्फा लिख सकते हैं, बाकी वैल्यू एज इट इज। इसे समीशन को खोल देंगे तो वन प्लस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की पावर माइनस न्यू माइनस वन बाय टू और यहाँ से इसमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट एच न्यू एक्स की पावर न्यू ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर पी इज इक्वल टू, प्रूव करना हमें पी की पावर न्यू गामा वन प्लस न्यू बाई टू प्लस न्यू बाई टू अपॉन टू की पावर न्यू ए की पावर न्यू प्लस टू अपॉन टू इंटू गामा वन प्लस न्यू इंटू वन एफ ऑफ वन वन प्लस न्यू बाई टू प्लस न्यू बाई टू सेमीकोलन न्यू प्लस वन सेमीकोलन माइनस का पी स्क्वायर अपॉन फोर ए, ये हमें प्रूव करना है। फिर इसके कुछ डिडक्शंस है कि एच वन एक्स की पावर माइनस वन ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर पी इज इक्वल टू वन अपॉन पी वन माइनस ई की पावर माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर ए। सिमिलरली अगला है एच वन एक्स इनवर्स कोस टी एक्स स्क्वायर पी और नेक्स्ट है एच वन एक्स इनवर्स साइन टी एक्स स्क्वायर पी, इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास ये क्वेश्चन, हमें पहली कंडीशन प्रूव करनी है। तो एच न्यू एक्स की पावर म्यू ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर पी लेके चलेंगे, यहाँ से डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे हंकल के,
तो 0 टू इनफिनिट पैरामीटर पी है, तो एक्स जे न्यू पी एक्स कर्नेल आ जाएगा एक्स के पावर न्यू ए के पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स बनाना है हमें, तो एक्स को क्या मान ले रूट ऑफ वाई, मतलब एक्स स्क्वायर को क्या मान ले वाई मान ले यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा टू एक्स डी एक्स बराबर डी वाई, तो डी एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास डी वाई बाई टू। लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट जीरो रखेंगे तो वाई जीरो, और इनफाइनाइट रखेंगे एक्स की वैल्यू तो वाई इनफाइनाइट, तो लिमिट वही रहेगी। तो देखिए यहाँ पर डी एक्स डी एक्स की जगह तो डी वाई बाय टू, तो डी वाई अपॉन टू बाहर आ गया, जीरो टू इनफाइनाइट एज इट इज। जेन्यू पी एक्स की जगह रूट ऑफ वाई, और एक्स की जगह वाई की पावर वन बाय टू, तो म्यू है तो वाई की पावर म्यू बाय टू, ए की पावर माइनस का ए वाई, और बाहर है डी वाई। क्लियर है? यहाँ से देखिए वन बाय टू जीरो टू इनफाइनाइट एक्स की पावर म्यू बाय टू ए की पावर माइनस ए एक्स, तो एज इट इज। निश्चित समाकलन से भाई वाई को एक्स लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एक्स के पावर म्यू बाय टू ए के पावर माइनस ए एक्स। समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट, भाई क्या किया बेसल फंक्शन की वैल्यू रख दी, तो माइनस वन के पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा न्यू प्लस आर प्लस वन, और पी रूट एक्स बाय टू के पावर न्यू प्लस टू आर ओ डी एक्स। यहाँ से अब एक्स के वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे और बाकी वेरिएबल्स को इधर निकाल लेंगे, तो पी की पावर न्यू एज इट इज भाई यहाँ से, तो पी की पावर टू आ रहे हैं यहाँ पर, तो पी के पावर न्यू को अलग निकाल लिया, टू की पावर न्यू वन अपॉन टू की पावर न्यू प्लस टू आर, तो वन अपॉन टू की पावर न्यू प्लस वन, क्योंकि देखो वन अपॉन टू और वन अपॉन टू की पावर न्यू, वन अपॉन टू की पावर न्यू प्लस वन आ गया, वन अपॉन टू की पावर टू आर भी है, तो पी स्क्वायर पी अपॉन टू के पावर टू आर लिख दिया, माइनस वन के पावर आर एज इट इज अपॉन फैक्टोरियल आर गामा न्यू प्लस आर प्लस वन, जीरो टू इनफाइनाइट एक्स की पावर देखो न्यू न्यू बाय टू और एक्स की पावर न्यू बाय टू प्लस आर, तो एक्स के पावर न्यू प्लस टू आर बाय टू, क्योंकि यहाँ पर टू आर है ना, और ई के पावर माइनस का ए एक्स और डी एक्स। यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो गामा न्यू बाय टू प्लस आर प्लस वन अपॉन में ए के पावर न्यू प्लस टू आर प्लस टू अपॉन टू। क्लियर है भाई? ए के पावर माइनस एक्स के पावर एन माइनस वन ए के पावर माइनस एक्स, तो गामा एन अपॉन ए के पावर एन यही आएगा, तो यहाँ से बाकी टर्म एज इट इज। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो पी की पावर न्यू यहाँ से देखिए अल्फा प्लस आर, अल्फा आर और गामा ऑफ अल्फा लिख सकते हैं इसको, बाकी ए की पावर में न्यू प्लस टू आर प्लस टू अपॉन में टू। तो देखिए एक की पावर आर वाली टर्म को अलग ले ले, तो देखिए यहां से हमारे पास है एक तो एक की पावर टू आर अपॉन में टू, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एक की पावर आर, तो यहां पर देखिए एक की पावर में चला गया, क्यों? क्योंकि पी अपॉन में टू की पावर टू आर तो यहां पर है, तो पी अपॉन में फोर की पावर सॉरी पी स्क्वायर अपॉन फोर की पावर आर ये है, और एक वन अपॉन ए की पावर आर, तो पी स्क्वायर अपॉन फोर ए की पावर आर लिख सकते हैं, और माइनस वन की पावर आर भी अंदर चला गया, तो माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर ए की पावर आर, बाकी इसमें से अल्फा आर आया था तो अल्फा आर एज इट इज, और फैक्टोरियल आर यहाँ से देखिए गामा न्यू प्लस वन प्लस आर, क्योंकि वन एफ वन बनाना है तो इसको भी अल्फा प्लस आर से लिख सकते हैं, तो अल्फा आर गामा ऑफ अल्फा, तो गामा न्यू प्लस वन आ गया, न्यू प्लस वन ऑफ आर फैक्टोरियल आर एज इट इज। देखिए यहाँ पर ये वैल्यू तो हमारे पास एज इट इज आ गई, क्लियर है? यहाँ पर बच रहा देखो वन नोमिनेटर में है, वन ही डिनोमिनेटर में है, तो वन एफ ऑफ वन वन प्लस न्यू बाय टू प्लस न्यू बाय टू और न्यू प्लस वन और माइनस पी स्क्वायर अपॉन में फोर। तो ये हमारा जो फर्स्ट कंडीशन थी हमें जो प्रूफ करना था वो तो ये कम्प्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट डिडक्शन देखिए हमें वन एच वन एक्स की पावर माइनस वन, यहाँ पर क्या है न्यू, मतलब न्यू की जगह हमें वन रखना है और एक्स की पावर माइनस वन, तो न्यू की जगह माइनस वन रखना है, क्लियर है? यहाँ पर पुट कर दो न्यू इज इक्वल टू वन और न्यू इज इक्वल टू माइनस वन इसके अंदर, तो ये हमारे पास देखिए टी की पावर वन और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो गामा ऑफ वन अपॉन में न्यू की जगह हम वन रख रहे हैं, तो वन अपॉन टू की पावर टू फोर हो गया, ए की पावर देखिए इसमें वन और माइनस वन से घट गया, तो टू बाई टू वन टू फोर ए, और ये वन प्लस वन गामा टू की वैल्यू वन होती है हमारे पास,
वन एफ ओ वन इससे ये कैंसिल हो गया, तो वन टू और माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर ए, वन टू एंड माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर ए, यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको भाई, पी अपॉन फोर एज इट इज, समीशन में लिख देंगे इसको, समीशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट अल्फा आर अपॉन में बीटा आर और एक्स के पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, यहाँ से समीशन आर इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल आर यहाँ पर हमारे पास है ही, यहाँ से देखिए हमारे पास वन ऑफ आर, वन आर और फैक्टोरियल आर, इसको फैक्टोरियल आर प्लस वन लिख सकते हैं और यहाँ पर टू ऑफ आर, क्लियर है, क्योंकि देखिए वन ऑफ आर को क्या लिख सकते हैं भाई, हमारे पास अल्फा आर क्या होगा, गामा अल्फा प्लस आर अपॉन गामा ऑफ अल्फा, तो अल्फा की जगह वन है तो वन प्लस आर अपॉन में गामा ऑफ वन, तो गामा वन प्लस आर अपॉन गामा ऑफ वन, इसी प्रकार गामा टू प्लस आर अपॉन गामा टू, इस गामा टू प्लस आर को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस आर गामा वन प्लस आर, तो गामा वन प्लस आर से गामा वन प्लस आर कट गया, तो यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा, वन प्लस आर इंटू फैक्टोरियल आर, तो फैक्टोरियल आर प्लस वन हो गया, और देखिए गामा टू की वैल्यू वन होती है क्योंकि फैक्टोरियल वन होगी ना यहाँ पर, और गामा वन की वैल्यू फैक्टोरियल जीरो, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होगी यहाँ पर, तो इसे हम लिख सकते हैं इस वैल्यू को वन अपॉन फैक्टोरियल आर प्लस वन माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर ए के पावर आर। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाना है तो क्या हम यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल आर प्लस वन को आर बनाना है, तो आर प्लस वन की जगह कैपिटल आर रख दे, तो देखिए आर इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि आर प्लस वन को क्या रखेंगे, कैपिटल आर, तो आर की जगह यहाँ पर हमारे पास जैसे प्लस वन रखेंगे तो बोथ साइड प्लस वन करना पड़ेगा, तो आर प्लस वन की जगह आर रख देंगे तो आर इज इक्वल टू वन, तो वन टू इनफाइनाइट तो ये हो गया, और फैक्टोरियल आर माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर ए की पावर आर माइनस वन। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर ए की पावर, हमारे पास जो वैल्यू है इसका इन्वर्स है, तो ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस फोर ए की पावर पी स्क्वायर, भाई उल्टा एक पावर हटा ली ना यहाँ से, और पी अपॉन फोर ए बार एज इट इज, समेशन आर इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट वन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर ए की पावर आर। यहाँ से देखिए फोर ए से फोर ए कट गया, पी से पी कट गया, तो माइनस वन अपॉन पी, तो एज इट इज बार, समेशन आर इज इक्वल टू देखिए वन टू इनफाइनाइट है यहाँ पर, तो इसमें जैसे ही जीरो रखेंगे तो इस जीरो जीरो वन आएगा, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि जीरो टू इनफाइनाइट और टोटल वैल्यू माइनस वन, क्यों, क्योंकि एक जोड़ा और एक घटाया इसमें, भाई इस वैल्यू के अंदर मैं ऐसे करूँ वन ऐड कर दूँ और वन माइनस कर दूँ, तो इस वैल्यू को आर इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट लिख सकता हूँ ना भाई, वन अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर ए के पावर आर और माइनस वन एज इट इज, क्योंकि जीरो रखेंगे तो जीरो वन, और इसकी किसी की पावर जीरो लेते हैं वन आता है, मतलब ये जीरो के लिए हो गया, वन टू इनफाइनाइट तो जीरो टू इनफाइनाइट हो गया ना, तो जीरो टू इनफाइनाइट। अब देखिए ये माइनस अंदर चला गया तो ये तो प्लस का हो गया, और ये हम जानते हैं e की पावर माइनस एक्स एक्सपेंशन होता है, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, समेशन माइनस एक्स की पावर या एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर, क्लियर है, तो ये हमारे पास e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन हो गया। अब देखिए इसकी लास्ट कंडीशन है एक्स एच वन एक्स इनवर्स कोस टी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज है बट माइनस ए की जगह आ रहा है हमारे पास टी, तो क्या हम इसमें माइनस आयोटा टी पुट कर दें ए की जगह, क्यों, क्योंकि कोस और साइन में कन्वर्ट हो जाएगा ए की पावर आयोटा थीटा, तो यहाँ पर आयोटा टी ए की जगह हम आयोटा टी पुट कर रहे हैं माइनस का, तो ये तो एज इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड में जो अभी आई है, तो एक्स एक्स का इनवर्स को सॉरी ई की पावर आयोटा टी एक्स स्क्वायर एंड पी वन अपॉन पी वन माइनस यहाँ से देखिए माइनस ए की जगह आयोटा टी तो पी स्क्वायर अपॉन फोर, क्लियर है, माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अपॉन वाले आयोटा को हटाने के लिए, तो ये माइनस भाई आयोटा से ऊपर नीचे किया तो आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता है, तो माइनस आयोटा पी स्क्वायर अपॉन फोर टी, इसको e की पावर आइटम माइनस आइटा डेटा से कोस डेटा माइनस आइटा साइन डेटा माइनस के कारण प्लस हो जाएगा ये और ये माइनस का, और इधर आ जाएगा इसको भी चेंज कर देंगे कोस डेटा प्लस आइटा साइन डेटा। अब देखिए रियल और इमेजिनरी पार्ट से कंपैरिजन कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हमारा सेकंड और थर्ड डिडक्शन कंप्लीट होता है, तो ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके आगे के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको यहाँ तक
कंप्लीट करना है आज।